हाँ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, कुछ खिटपिट 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 कुछ करता रहता है, अपनी नाफरा खरपटों से बाज नहीं आ रहा है। लोग कभी कभी कहते हैं, एक हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान अभी उसके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की है पाकिस्तान के लोगों, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बतलाया भी नहीं, हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, विश्वास रखना बहुत ठीक ठाक हुआ है। दो तीन दिन पहले मालूम होगा कुछ लोगों को, जरूर मालूम है हुआ है, और आगे भी देखिएगा क्या होगा। मैंने तो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को कहा था, पड़ोसी है गोली, पहली गोली मत चलाना, लेकिन एक भी यदि उधर से चल जाती है तो अपनी गोलियों को फिर गिनना मत कि कितनी हमारी गोलियां चल रही हैं। ये भी निर्देश मैंने दिया। बहनों भाइयों, जब मैं कभी कभी पूछता हूं, बॉर्डर पर जाता हूं, भारत आर्मी के लोगों के बीच भी गया हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच भी मैं जाता हूं, कई त्योहार भी उनके बीच में मना चुका हूं, कितनी मुश्किलों में। मैं भारत और चीन के बॉर्डर पर मैं गया था, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में बर्फ पड़ रही। मैंने कहा अपने डीजी आईटीबीपी से कि मैं रात को रुकना चाहूंगा। उन्होंने कहा सर रुकने लायक नहीं रहता है सर, हालत बिगड़ जाएगी सर, आपका अभ्यास नहीं है। हम अपने जवानों को ले जाते हैं, एक सप्ताह लगते हैं ताकि उनको क्या बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन के बाद हम ले जाते हैं, पहले हम कुछ दूरी पर ले जाते हैं, एक दिन रोकते हैं, फिर कुछ दूरी पर ले ऊपर ले जाते हैं, एक दिन के लिए रोकते हैं, जब धीरे धीरे वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं तब हम बहुत ऊंचाई पर उनको ले जाते हैं। और सर आप एक ही दिन जाना चाहते हैं, बड़ा गड़बड़ है, उन्होंने कहा कुछ खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा कुछ चिंता मत करो, खतरा नहीं होगा। मुझे याद है कि एक बार भी सार्ड सर्विस कमीशन को मैंने भी कंप्लीट किया था और मेरा भी सिलेक्शन एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में मैं हुआ था, यदि वो वैसे जा सकते हैं तो मैं वैसे गृह मंत्री होते हुए मैं वहां पर जाऊंगा।